शासकीय प्राथमिक शाला ताशु प्रजापति सलैया जवारी व मध्य प्रदेश की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास खंड संकरगढ़ छछरा चौपे प्राथमिक विद्यालय में बड़े हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक सर्वेश कुमार दुबे के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर ध्वजारोहण करके समस्त क्षेत्रवासियों को एवं देशवासियों को संदेश दिया गया। हम सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम सभी को अपने भारत देश का सम्मान एवं गौरव को बढ़ाने का काम करना चाहिए। ग्राम प्रधान झझरा चौबे पृथ्वीराज साहू भी मौजूद रहे और उन्होंने भी देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को संदेश दिया, हमें भारत का मान सम्मान बढ़ाए रखने का कार्य करना चाहिए। इसी बीच मौजूद रहे सहायक अध्यापक रमाकांत सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गिरिजा देवी, आशा कार्यकर्ती किरण, शिक्षा मित्र राम सिया, युवा नेता विष्णु दत्त त्रिपाठी मौजूद रहे एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शैलेश कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। प्रधानाध्यापक पन्ना लाल विश्वकर्मा वीरपुर पनवार जवा मध्य प्रदेश की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शैलेश कुमार द्विवेदी, आज मैं आया हूं झझरा चौबे के प्राथमिक विद्यालय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आज के ही दिन हमारा भारत ब्रिटिश शासकों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज के ही दिन लाल किला दिल्ली में जाके अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया था। तभी से हम ये ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस में मना रहे हैं। मैं झझरा चौबे के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर प्रधानाध्यापक महोदय मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस में क्या कहना चाहेंगे, मैं थोड़ा सा इनसे रूबरू हो लेता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार दुबे, मैं प्राथमिक विद्यालय झझरा चौबे का प्रधानाध्यापक। आज हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी प्रांगण में उपस्थित होकर प्रांगण को सुसज्जित किया और ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारे विद्यालय के सम्मुख हमारे गांव सभा के मुखिया श्री शिवाकांत तिवारी जी की धर्मपत्नी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम कराया गया। कुछ देर के बाद हमारे ग्राम प्रधान भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम लोगों ने स्वागत किया एवं ध्वजारोहण में माल्यार्पण कराया और छोटे छोटे बच्चों को भी स्वतंत्रता दिवस के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, महान पुरुषों के बारे में कुछ बातें बताई और बच्चों को आशीर्वाद वचन दिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना, प्रधानाध्यापक सर्वेश कुमार दुबे जी के द्वारा बताया गया स्वतंत्रता दिवस में सारे लोग इकट्ठा होकर के और सुचारू रूप से स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। मेरे साथ झझरा चौबे के प्रधान, वर्तमान के प्रधान मौजूद हैं, मैं उनसे थोड़ा सा रूबरू होना चाहूँगा कि आप क्षेत्रवासियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पृथ्वीराज साहू। आप क्षेत्रवासी, यहाँ की झझरा ग्राम सभा की सारी जनता, उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है, इसमें आप क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव देना चाहेंगे कि जैसा कि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल के प्रांगण में बैठे हुए हैं, मैं सभी ग्रामवासियों से या अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें, उनको पूर्वजों के बारे में जितनी भी जानकारी हो सके बताएं, न मालूम हो गुरुजन से कह के हर तरह से हर संभव प्रयास करके बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और गांव को सर्वांगीण विकास करने के लिए हमारा सहयोग करें। अगर पूरा गांव मेरा सहयोग करेगा तो मैं ये वादा करता हूँ कि जो भी कमियाँ गाँव में रह गई हैं मैं उसका पूरा करने के लिए हर तरह से कटिबद्ध रहूँगा, तत्परता से करूँगा, मेरा यही उद्देश्य है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, झझरा चौबे के प्रधान पृथ्वीराज साहू जी के द्वारा बताया गया कि मेरी जनता साथ दे, मैं जनता का साथ दूंगा और मैं सारे कार्य को सुचारू रूप से करूंगा। आप इस चीज़ से रूबरू हो चुके हैं और ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो सिर्फ उसका उद्देश्य ये नहीं है कि झंडा ही फहराया जाए, उसका उद्देश्य ये है कि हम अपने भारत देश का मान सम्मान करें और यहाँ के नागरिकों का, सबको, जितने भी हमारे खंड
शिक्षा अधिकारी जननायक गौतम जवारी व मध्य प्रदेश की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, सबका मान सम्मान करें। मैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज से शैलेश कुमार द्विवेदी। जैसा कि देख रहे हैं, मेरे साथ प्राथमिक विद्यालय झंझरा चौबे के सहायक अध्यापक भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी थोड़ा रूबरू होना चाहूँगा कि आप क्षेत्रवासी और यहाँ ग्राम सभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी गांववासी काफ़ी सहयोग दिए और स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार से हमारे ग्राम सभा में हर साल विद्यालय मनाया जाएगा। हर साल इन्होंने देखिए कितना अच्छा शब्द कहा कि धूमधाम से मनाया गया और हर साल ऐसे ही मनाया जाए। हम भारत देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं और हमको अपनी पहचान होनी चाहिए कि हम स्वतंत्रता दिवस में क्या क्या हमको करना चाहिए। कोई भी गलत काम हमको नहीं करना चाहिए कभी भी। ये नहीं कि हम स्वतंत्र हैं तो कभी भी गलत काम बोल दें, भैया स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता दिवस में गलत काम करना स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ। मेरे साथ गाँव के युवा नेता भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी थोड़ा रूबरू होना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु दत्त तिवारी है। जैसा कि हमारे गांव के प्रधान माननीय पृथ्वीराज साहू जी ने बताया कि अगर हमारे गांव के सभी युवा सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर अगर इनका साथ दें, इनका सहयोग करें तो हमारे प्रधान जी जरूर गांव का विकास करेंगे। और हम प्रधान जी से कहना चाहते हैं कि हम सब प्रधान जी के साथ हैं और हमारे इस विद्यालय के माननीय श्री हेड मास्टर माननीय सर्वेश द्विवेदी जी भी हैं, जिन्होंने बहुत सालों से हमारे विद्यालय में हैं और बहुत आसान से धूमधाम से हमारे विद्यालय में हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी मना। किसी का सहयोग हो ना हो लेकिन हमारे हेड मास्टर श्री सर्वेश द्विवेदी जी और सहायक अध्यापक रमाकांत पटेल जी हर वर्ष करते हैं और हम लोग बहुत ही सहयोग करते हैं इनका। जो कुछ होता है हम लोगों से हम लोग आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हर वर्ष की बात। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्होंने कितने अच्छे शब्द कहे हैं। मैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से शैलेश कुमार द्विवेदी। प्रधानाध्यापक अरुण रजक ओबरी जनपद चित्रकूट की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।